सीधा हो जाए फिर आगे हो। माइक स्टैंड में लगा हुआ है। थोड़ा राउंड कर और आगे भी सच रहेगा। स्विच हो गया उसमें, देखो नाम। राजकुमार राय फोन दो, फोन फोन लाख खोल के देखो। उसी बात हो रही है और जो मैं बकुला बुगन डरा रहा किनारे पैर, ये उनकी बात नहीं है। जिसने खोज की मुर्शिद के नाम की, अगर आप समझे मुर्शिद का नाम क्या है, सीधे लिखा है कि शब्द का जाल घनघोर जाल पाताल से लेकर के और पार ब्रह्मांड के कितने ऊपर तक कल्पना की है, शब्द ही शब्द फैला हुआ है और इस शब्द की गहिमा का गाय आज तक इस सृष्टि के इतिहास में न कोई कर सका है ना ही कर सके। लेकिन कहा जा रहा है कि ताजीम की है जिसने मुर्शिद के नाम है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप साधना में बैठोगे वहां से लिंक से हर 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 नदी की धारा बहती हुई सुनाई दे रही है। का दर्शन नहीं पाओगे, शब्द का जाल घनघोर जल वो कैसा शब्द है। आते हो प्रयत्न जगह का दम तत्व व्यापक परमात्मा, इसलिए प्रयत्न करो। जो चेतन तत्व के तत्व को जानता है ऐसे तत्वदर्शी महात्मा जब मिल जाएंगे पूर्ण पुरुष का नाम पूर्ण पुरुष है, वह अनामी महाप्रभु रूप है। आप मनुष्य मानो या आपकी सोच, आपका चिंतन है, आपकी कार्यशैली है, आपकी दक्षता योग्यता और प्रवीणता का ये संकेत है। लेकिन वो फिर बंदो गुरु पर कंज कृपा सिंह और दूसरे कौन है, शब्द जी महाराज। जब शब्द आने लगेगा दाबो दाब दाबो दाब पीने के रास्ते पर आगे बढ़ता। जब तीनों की दया से आप केंद्र बनते हो तब आप सतगुरु के पास पहुंचते हो।
और आज तो नाम दान मिलता है, दीक्षा मिलती है, मंत्र मिलता है। इशारे में कह रहे हैं कि सुनी मैंने हरि आवन की आवाज, फिर क्या देख रही कि ऊंचिया टहरिया चढ़ी, किया निहारो इंद्र मिलन के साथ। मैं ऊंची अटारी पर चढ़ करके प्यारे प्रियतम का इंतजार कर रही हूं। प्यारे प्रियतम कौन है जरा सोचो आप। लिखा है कि हर शय में उसकी सूरत, हर शय में उसकी सूरत है, उस दिन नजर पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। ये जो दिल आपके अंदर बैठा हुआ है, दुई का पर्दा खत्म हो जाएगा। दुई माने कि आप रूप और प्रभु रूप में कोई अंतर नहीं होगा। तब आपने सुना है गुरु गोविंद दो खड़े, वो गुरु है और आप गोविंद हैं। वो शुद्ध स्वरूप, चेतन स्वरूप और सत स्वरूप है। और यहां आप जो देख रहे हो, यहां की क्या कैफियत है कि गोविंद है, इंद्रियों में बढ़े हुए हैं। जब दोनों की सूरत एक जैसे दिखाई देगी, दोनों आंख के नीचे नहीं ऊपर, तब हर साल उसकी सूरत उस दिन नजर पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये दुई खत्म हो जाएगी, दुचिताई खत्म हो जाएगी, संशय आत्मा विनष्ट का जो कारण बनी हुई है वो खत्म हो जाएगा, तब आप सतमार्ग पर चल पड़ेगी। ये तो दुआ है दर्शन साथ ही साथ। जब शब्द उतरेगा, स्वामी जी महाराज ने कहा ऊंची इशारा, इधर महात्मा करते हैं कि ऊंची टहरिया चढ़ी, पिया निहारू इंद्र मिलन के साथ। इंद्र के मिलने का बाजा बजने लगा। और इंद्र कौन है, एक अर्थ से आप सुनते चले आ रहे हो, ये चारों विराजमान है आसमान में, चारों आसमान में विराजमान है, इनको इंद्र कहते हैं। और इनका बाजा जब आप पर गालिब हो जाएगा, उतर जाएगा, कहीं घंटा चल मृदंग बादलों के गरज, केंगरी और सारंगी और बंसी जब ताबड़ तोड़ बढ़ने लगेगी, तब भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। और सुनते सुनते जब ये आवाज नीचे ऐसे जाने लगेगी आपके सामने, और वाद्य बजने लगेगा, बीन बीन काबर तोड़, इतनी भीड़ की आवाज सुनाई देगी, वो सुनते सुनते मत हो जाओगे। यही है मुर्शिद के नाम की खोज करता, यही असली मुर्शिद का नाम है, बाकी और कोई मुर्शिद का नाम नहीं। बड़े गौर के साथ समझिए आप, जब आप उस नाम को खोज कर लोगे और मुर्शिद को प्रकट कर लोगे, आप रूप और इस रूप में कोई अंतर नहीं है, तो उनके लिए दोजख का दरवाजा बंद। ऐसी रूह कभी भी दोजख में नहीं जाएगी। क्या गौर के साथ सत्संग सुनिए। इसके पूर्व मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मालिक के नाम को पहले देखूंगा। जिक्र दुबा, जिक्र कौन, जिक्र रूही, जो भाव से याद करोगे एक रुपए का याद, और मन से याद करोगे 100 रुपए का लाभ, और आत्मा से याद करोगे 1000 गुना लाभ। वक्त के मुताबिक, वक्त की नजाकत को देखते हुए आप फैसला ले और आगे बढ़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
प्रभु का पावन नाम, तो प्रेम से बोले जय गुरु। ये विनती दासी कर प्रेम सिंधु की धार, धारा उमगे प्रेम की जाता वारे नकार। सन्मुख ठाही होए कर विनती करो पुकार, भाग्यहीन मैं क्योंही स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार, मुझे अपराध नहीं थी अभी नयावार। मैं तड़पति तव दरस को जैसे चंद्र चकोर, शीत जहेज में स्वाति को मोर चाहे भंगो। स्मरणीय सर्वत्र विराजमान हम सब प्याहों की ज्योत, करोड़ों दिलों के बादशाह, रूहों के सच्चे वारिश, आत्माओं के स्वामी, कुल मालिक कुल करतार, सच्चे सर्वेश्वर, अनामी महाप्रभु, जो रूप में यज्ञ ही नहीं सर्वत्र विराजमान है। मैं सर्वप्रथम अनामी महाप्रभु जिनका रूप है, शब्द जी महाराज जिनका रूप है, मैं परम प्रभु को अनंतों बार हृदय से प्रणाम करता हूं। हमारे क्यों प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनो, वो बच्चों आप कहीं भी कॉलेज हो, ये आपकी सोच, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ऊंचाई पर बैठने का मतलब ये नहीं आप समझ ले कि कोई साधु बन गया, साधक बन गया, अध्यात्म बन गया, महात्मा बन गया। कदाचित कोई बन ही जाए तो आप उसे कभी मानना मत, इसलिए जो आपका गुरु भाई है, गुरु भाई बहनों का रिश्ता जग में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा रिश्ता है, इससे ऊंचा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए यह हिदायत दी गई कि गुरु के सिवा कभी भी किसी का पैर नहीं छूना चाहिए, आदाब नहीं बजाना चाहिए, अरदास नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने ऐसी गुस्ताखी कर दी कभी भी भूल करके, ये समझ लो कि आप परमात्मा नियमों को तिलांजलि दे रहे हो। ऐ सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, आपको हिदायत दी जा चुकी है कि पथ की ओर निहारिए, औरों से क्या काम, सभी देवता क्षण के जपिए गुरु का नाम। पथ की ओर निहारिए, जिसने नाम दान दिया है, जिसने दीक्षा दी है, जिसने मंत्र दिया है, सर्वदा उसी देखो। दो दल कमल से लेकर के पद्मनाभ तक कितने देव, कितने महादेव मिलेंगे, कैसे अनोखे कला मिलेगी, और कैसे कैसा अद्भुत जौहर, कैसे कैसा, यानी स्त्रियां भी होंगी, पुरुष भी होंगे, ये जौहर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपने स्वामी जैसा आपके निगाह में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये मैं सपनों में नहीं सैर कर रहा हूं, होश हवास में बोल रहा हूं, और बोलने के पहले ये हिदायत दे रहा हूं। अजीज भाई बहनों, जैसे जमीन पर आप देखते हो संग को पंथ करावा, दिन के वचन व्याध हरि ज्वाला। संजो की ही बात
आए बहुत बड़ी जागीर हासिल कर लेते और यहाँ कठिन कुशन राइस कुशन की दूरी बहाओ। अगर आप सत्संगी हो तो तरीके से चलो, अगर जरा भी भूले ये जरूर और गुमान कहा सुना कौन अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। हे गुरु महाराज तेरा देशत आने विवेक की आंखों से देखो ये कायनात तुझको नहीं है और पाने की कांक्षा मत करना और जिस परिवार में आए हो उसकी इतनी गता सोच नहीं है इतनी बढ़ गई कि चुप ही रहना बेहतर है। मेरी अपनी रचना देखिएगा अर्चकों की दरिया बह जाए, अर्चकों की दरिया बह जाए, दुनिया कहती कमतर है दर्द भी ये सुनाए किसी को चुप ही रहना बेहतर है। इसे सुनाया जाए, समझाया जाए, इसे यकीन दिलाया जाए, वो पूछ रहे थे कि तुम कौन, आप कैसे उनको समझाओगे। तेरे पास ने कहा बावजूद भी संशय की कोई कमी नहीं और आखिरी वक्त में सीधे कह दिया इसी में चुपचाप चले जाओ और गल करके सीधे चले जाओ। सीधे लिखा चारो खान भयो भगवान सो यही के नाम कहने कहायो काल बनी की जाल चली सो बाद चले जो अनेक नायो जोगी जटिल जग ज्ञान मती सीता सती और राम को खायो गोस्वामी तत्व क्षण विचार कहे सो ही बचे जाका संत बचाए। इसको संत ने बचाया सीधे भगवान के कहा अर्जुन भाग कहो भगवान सो दे के जाय हिवारे में गारो जाकर के इसको हिवारे में गला दो। प्रत्यक्ष जो कृष्ण ने ऐसी करी वो स्वामी कहे मूर्त कैसे हुआ रे, जब प्रत्यक्ष की ये दशा रही तो मूर्त आपको उबार लेगी ये बड़ा कठिन विषय। हे भाई बहनों आप अगर इस आवाज